With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so you all are safe and sound and must be enjoying your online learning session given by your school. So students, this is the lecture of mathematics for grade 7, and we were dealing with the chapter number 14 from book D1, and the 7th edition of this book we are using, and we were dealing with the volume and surface area of cuboid. हमने कल previous lecture के अंदर जो है ये देखा था कि आपके पास अगर जो है वो जो तीनों की तीनों साइड्स क्यूब की सेम हो तो फिर उसे हम लोग उसका क्यूब कहते हैं, और अगर जो है उसकी तीनों साइड्स में से कोई एक डिफरेंट हो जाती है फिर वो क्यूब नहीं क्यूबॉइड बन जाता है. और हमने कल उसका जो है वो सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका जो है वो देखा था. सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 14 के अंदर से क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ए पार्ट है सबसे पहले हमने डिस्कस करना है. वहाँ पर बुक के अंदर ये एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर उसने आपको जो है लेंथ जो है वो गिवन है 24 मिलीमीटर, ब्रेथ जो गिवन है वो 18 मिलीमीटर गिवन है, और हाइट की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 मिलीमीटर है. तो बेटा दोनों सेम चीज़ें आपने मालूम करनी है, वॉल्यूम मालूम करना है और टोटल सर्फेस एरिया जो है उसका वो मालूम करना है. अब नीचे यहाँ पर हमने एक दफ़ा फिर भी मैंशन कर दिया है कि ये तीनों साइड जो है ये आप देख सकते हैं डिफरेंट है, एक 24 है, एक 18 है और एक 5 है. ये तीनों साइड डिफरेंट है, इसका मतलब ये आपके पास क्यूब नहीं क्यूबॉइड है. इसलिए हमने इसके ऊपर क्यूबॉइड के फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए इसका वॉल्यूम और इसका सरफेस एरिया जो है वो मालूम करना है. अब आपने क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फार्मूला पढ़ा है. वॉल्यूम को बेटा यहाँ पे वी से डिनोट किया गया है, लेंथ को एल से, ब्रेथ को बी से, और हाइट को स्मॉल लेटर एच से जो है वो हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है. सो ये वॉल्यूम अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो वो आपका बराबर होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट के. तो आपने यहाँ पर लेंथ की वैल्यू 24 मिलीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू 18 मिलीमीटर, और हाइट की वैल्यू जो है वो 5 मिलीमीटर यहाँ पर एज इट इज़ पुट कर दी. तो बेटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो वॉल्यूम का आंसर आ जाता है वो 2160 मिलीमीटर क्यूब. जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि बेटा जब भी आपके पास वॉल्यूम की बात होगी, वो वॉल्यूम आपके पास क्यूब का हो, सिलेंडर का हो, या किसी भी चीज़ का वॉल्यूम हो, वॉल्यूम के अंदर आपके पास ये यूनिट के ऊपर हमेशा जो है वो क्यूब इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम. और जो जब भी आपने एरिया मालूम करना है, वो चाहे वो सरफेस एरिया हो, कोई भी एरिया हो, एरिया जब भी आपने मालूम करना है तो यूनिट के ऊपर यहाँ पर आपके पास पावर जो है वो स्क्वायर आती है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर जो पावर आपके पास आती है वो हमेशा क्यूब आती है. अब इन्हीं तीन लेंथ्स को यूज़ करते हुए, जो कि लेंथ आपके पास 24 मिलीमीटर, ब्रेथ 18 मिलीमीटर है, और हाइट जो है वो आपके पास 5 मिलीमीटर है, इन तीनों लेंथ को यूज़ करते हुए हमने जो है इसी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो है वो मालूम करना है. और बेटा सरफेस एरिया का फार्मूला जो है वो हमने पढ़ा था टू इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. हमने ये सरफेस एरिया का जो है वो फार्मूला पढ़ा था. तो बेटा इसके अंदर एज इट इज़ आपने लेंथ की, ब्रेथ की, लेंथ की और हाइट की वैल्यूज पुट की तो ये आ जाएगा 24 इंटू 18 प्लस 24 इंटू 5 प्लस 18 इंटू 5. ये आपके पास जो है वो सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज़ आपने पुट कर दी. और बेटा कल भी मैंने आपको ये बात, पिछले लेक्चर में भी ये मैंने आपको बात समझाई थी कि अगर आपके पास एक ब्रैकेट के अंदर या वैसे ही दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे यहाँ पे 24 और 18 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो साथ में ऐड भी हो रहा है 24 इंटू 5 के साथ, तो मैथ्स का रूल होता है सबसे पहले आप डिवीजन परफॉर्म करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर आप प्लस या माइनस, इन दोनों में से कोई एक जो है वो अरिथमेटिक फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो है आप दोबारा से इनको ऐड करेंगे. तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये आ जाएगा आपके पास 432 प्लस 120 प्लस 90, और इनको ऐड करने के बाद जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो टोटल सरफेस एरिया आपके पास निकल आता है वो 1284 मिलीमीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा. जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपने एरिया के अंदर डील करना है तो हमेशा आपके पास जो यूनिट है यहाँ पर यूनिट स्क्वायर की फॉर्म के अंदर आएगा. वो मिलीमीटर स्क्वायर हो सकता है, वो मीटर स्क्वायर हो सकता है, या वो सेंटीमीटर स्क्वायर सकता है, वो कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन होगा हमेशा वो स्क्वायर की फॉर्म के अंदर. सेकेंडली बेटा इसी टेबल के अंदर जो है वो बी पार्ट इसका गिवन है. बी पार्ट में ज़रा सा डाटा जो है वो आपके पास डिफरेंट है. इसमें उसने लेंथ की वैल्यू आपके पास दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू जो है वो आपके पास दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम जो है वो आपके पास 120 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब इसमें हमने करना क्या है, पहले हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट दी होती थी, उससे हम ईजिली वॉल्यूम और सर्फेस एरिया मालूम कर सकते थे. लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, इससे हमने वॉल्यूम और सर्फेस एरिया, इससे हमने जो है हाइट और सर्फेस
से लिया, ये दोनों चीज़ें मालूम कर लिया। तो फार्मूला एज इट इज़ हमने लिख लिया कि जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का वो आपके पास लेंथ बाय ब्रेथ बाय हाइट होता है, जो जो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है वो आपने पुट कर दी। फॉर एग्जांपल आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 120 तो वो यहाँ पे पुट कर दी, लेंथ की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर वो यहाँ पे पुट कर दी, ब्रेथ की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर वो यहाँ पे पुट कर दी, और हाइट की वैल्यू नहीं थी तो वो यहाँ पे एज इट इज़ साथ जो है वो उसके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 15 कर दिया। और अब आपने इक्वेशन को सोल्व करते हुए रूल्स के अंदर ये पढ़ा था कि अगर इक्वल टू की एक साइड पर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो रहे हो जाते हैं। तो यहाँ पे 15 और एच ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, जब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जाके जो है ये डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आपके पास 120 क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर 115 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। सो यहाँ से आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आपके पास हाइट की वैल्यू निकल आती है आसानी से 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो है वो डाटा तकरीबन पूरा हो गया है सरफेस एरिया मालूम करने के लिए, कि हमारे पास ये लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, ब्रेथ की वैल्यू भी ऑलरेडी गिवन थी, और हाइट की वैल्यू जो है वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब बेटा सरफेस एरिया का अगेन वही फार्मूला जो क्यूबॉइड का, 2 LB + LH + BH, यहाँ पे आपने लेंथ की वैल्यू 5 पुट कर दी, ब्रेथ की वैल्यू 3 पुट कर दी, और हाइट की वैल्यू वो पुट करनी है जो आपने यहाँ से 8 सेंटीमीटर हाइट की वैल्यू जो है उसको फाइंड किया। उसके बाद अगेन इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा आपके पास 5 × 3 = 15, 5 × 8 = 40, और 3 × 8 जो है वो आपके पास 24 आ जाता है। इन तीनों को ऐड करने के बाद आपके पास 79 आंसर आता है, जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 158 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, उनमें इसी तरह से आपके पास 3-4 में से कोई सी 3 वैल्यूज़ गिवन है, या तो आपके पास लेंथ गिवन है या हाइट गिवन होगी, या 4 में से 3 चीज़ें आपके पास गिवन होंगी, कोई एक मिसिंग है, वो आपने इसी मेथड से मालूम करके तो उससे जो है उसके बाद उसका सरफेस एरिया भी जो है वो मालूम कर देना। क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये था आपके पास आज का लेक्चर। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।